यादों से जुड़ी कौन सी ऐसी बातें हैं दिलचस्प आप कुलदीप यादव को याद करें, आपके और भी खिलाड़ी हो जाते हैं लेकिन कुलदीप यादव से संबंधित क्या ऐसी बात है जो आप डायरेक्ट कुलदीप यादव से कहना चाहते हैं। एक मैच ऐसा था कि 300 रन उनकी टीम ने बनाया था और वो टीम उनकी टीम मैच हार गई थी तो बहुत दुखी हो गए थे, उनके आंसू तक आ गए थे उस मैच को लेकर। लेकिन हम सभी लोग बहुत ही सीरियस थे और हमारी प्रैक्टिस से काफ़ी लोग लॉकडाउन से जो कोरोना टाइम से काफ़ी चल रही थी, इंडियन खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं और जो भी बॉलर्स हैं, बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, सिराज हैं, समी हैं और जो हमारे राहुल हैं और श्रेयस अय्यर हैं, ये जो भी खिलाड़ी हैं एकदम रिलैक्स आ रहे हैं। हर आस्थावान व्यक्ति के दिल में एक भगवान की तस्वीर होती है। क्रिकेट की दुनिया में सचिन को भगवान माना जाता है लेकिन हर क्रिकेटर के लिए एक भगवान होता है, वो उसका कोच। कोच का मतलब जो उसको सिखाता है, बताता है क्रिकेट कैसे खेलना है। आज हमारे साथ हैं चाइना मैन यानी कि गेंदबाज चाइना मैन कहे जाने वाले कुलदीप यादव के कोच। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कुलदीप यादव ही नहीं बल्कि और जितने भी उनके खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं और कुलदीप यादव के साथ उनकी क्या यादें हैं। कई सारी बातें हैं। इस समय भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है, इसको लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी टीम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो इंडियन खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं और जो भी बॉलर्स हैं, बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, सिराज हैं, समी हैं और जो हमारे राहुल हैं और श्रेयस अय्यर है, ये जो भी खिलाड़ी हैं एकदम रिलैक्स ना रहे, न्यूजीलैंड को एकदम हल्के में ना लें, बहुत डेंजरस टीम है, आप अपने को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप लोगों को चाहिए कि ये मैच है, यही मेन मैच हमारा है जिसको जीत के आप फाइनल में पहुंचेंगे और तो पहले ये स्टेडियम को चढ़ना होगा और इस मैच को अच्छे से जीतना होगा और सभी को लग के रहना होगा, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी होगी, चाहे वो फील्डिंग का पार्ट हो चाहे कुछ भी हो, कि कैच ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे और सबको लग के इस मैच में पूरी जान लड़ानी पड़ेगी और ये मैच जीतना है देश के लिए जीतना है। कपिल जी, आपसे खास बात ये रहेगी क्योंकि कुलदीप यादव क्रिकेट टीम में है, कानपुर से हैं और आप कानपुर में ही हैं। कुलदीप यादव से जुड़ी कौन सी ऐसी बातें हैं दिलचस्प जो आप कुलदीप यादव को बेहद करीबी से जानते हैं, और भी खिलाड़ियों को जानते हैं फिलहाल लेकिन कुलदीप यादव संबंधित क्या ऐसी बात है जो आप डायरेक्ट कुलदीप यादव से कहना चाहेंगे? कुलदीप यादव बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो भी चीज़ आज जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, उनको बचपन से लेकर आज तक, मैं 2004 से लेकर आज तक जो हमारा लंबा सफ़र 19 से 20 साल तक का हो गया है उसमें देखा कि वो हमेशा लग के रहते हैं, जहां बाहर भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो वो तुरंत आते हैं, अपने क्लब में आते हैं, रोवर्स क्लब जो हमारा है वहां पहुंचते हैं और आके फिर दोस्तों से सभी से मिलते हैं और सबसे पहले पूछते हैं सर कल का क्या प्रोग्राम है, तो जो एक मेहनत है उसके मेहनत कस का एक खिलाड़ी के अंदर रहना चाहिए कि और हर मैच को बहुत सीरियस लेते हैं, यहाँ तक कि जो भी ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो यहाँ पे मैं उनके लिए प्रैक्टिस मैच अरेंज करता हूँ उन मैचों में लेके भी इतना सीरियस रहते हैं कि एक मैच ऐसा था कि 300 रन उनकी टीम ने बनाए थे और वो टीम उनकी टीम मैच हार गई थी तो बहुत दुखी हो गए थे, उनके आंसू तक आ गए थे उस मैच को लेके कि ऐसा मैच ही हम मोहाली में एक बार हारे थे, तो वो चीजों को जो अंदर से एक फाइटिंग स्पिरिट खिलाड़ी की रहती है वो बहुत डेवलप है और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुलदीप डाउन टू अर्थ हैं, जमीन पे रहते हैं और वो हर चीज को समझते हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट की पूरी जो लाइफ है उनकी 20 साल की उसमें उन्होंने अपना स्ट्रगल भी देखा है, अंडर 14 में नहीं सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने सीनियर टीम में भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने IPL में स्ट्रगल किया है, तो हर जगह उन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके बहुत मजबूत होकर आए हैं, तो जो उनकी बॉन्डिंग है हमारी और उनकी वो ब्रेन से बहुत मजबूत है कुलदीप, पहले कभी कभी वो परेशान होते थे लेकिन अब एक साल से मैंने देखा है कि वो काफी परिपक्व हो गए हैं और बहुत दिमागी रूप से परिपक्व हुए हैं, अपने बॉलिंग से भी परिपक्व हुए हैं, अब मुझे उनको कम बोलना पड़ता है, अब वो मुझे बोलते हैं सर आप परेशान नहीं मैं अच्छा करूंगा। ये बेहद उम्दा पल होते हैं जब कोई स्टूडेंट्स अपने गुरु से बोले कि आप चिंता मत करिए मैं अपने हिसाब से देखूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन सर एक बात यह है कि शेन वॉर्न और सचिन जैसे बेहद उम्दा खिलाड़ियों ने कुलदीप यादव की तारीफ की है, उन्होंने बोला है कि ऐसा खिलाड़ी बहुत कम निकल करके आते हैं जो स्पिन गेंदबाज के रूप में हो और ऐसे काबिल खिलाड़ी हो, आप किस रूप में और देखते हैं कि कहां तक ये जाएंगे कुलदीप यादव इस मैच के साथ साथ और आगे?
ये वर्ल्ड कप को लेके हम सभी लोग बहुत ही सीरियस थे और हमारी प्रैक्टिस काफी लोग लॉकडाउन से जो कोरोना टाइम से काफी चल रही थी और हमारे दिमाग में था कि हम पिछले जो T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं सेलेक्ट हो पाए थे कुलदीप यादव, वो दिमाग में था और हमने कहा था अभी ये गया है, कोई बात नहीं, वनडे वाला आएगा वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी करके रखना है हमें और हम उसको खेलेंगे। तो कुलदीप यादव के दिमाग में ये था कि हमें खेलना है और उन्होंने करके दिखाया है। और जहां तक मैं सचिन तेंदुलकर और शेन वॉन की बात पे कहना चाहता, सचिन जी ने जब कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे तो उन्होंने खुद बोला था कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें बहुत आगे जाना है। और शेन वॉन जो आपने नाम दिया, शेन वॉन के ही ऊपर मैंने कुलदीप को सिखाया था और शेन वॉन की जो बॉलिंग है वही मैंने चीजें सिखाई थी, क्योंकि जब मैंने उनको कोचिंग देना स्टार्ट किया था तो इंडिया में कोई भी चाइनामैन बॉलर नहीं था, तो मैंने एक मॉडल लिया था शेन वॉन को, वो मॉडल के रूप में ही मैंने, जैसे चाइनामैन लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक होता है तो वैसे ही मैंने वो शेन वॉन को लिया था कि वो लेग ब्रेक है, उनकी ही सब चीजों पे मैंने ध्यान दिया और उनको सिखा, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ कैसेट्स होते थे वीडियो की, उनको ही देख के और जो चीजें मैंने मैचेस देखे तो वो शेन वॉन को कुलदीप यादव मैंने डाला था। तो जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है वो शेन वॉन पे ही आधारित है और शेन वॉन भी ये चीज अच्छे तरह जानते हैं, कुलदीप ने जब उनसे बातचीत की थी ये भी बताया था कि वो उनको देख के ही बड़े हुए हैं। और मैं हमेशा बोलता था कि आप शेन वॉन को ही फॉलो करो, इतना बड़ा बॉलर है, किसी की और जो उसकी स्किल है बहुत ही टॉप लेवल की थी, वो कुलदीप यादव में सेम है। और उन्होंने बचपन में ही, मैंने उनको जितनी भी वो थी स्किल्स, गुगली, फ्लिपर्स, चाइनामैन, सबसे ज्यादा चाइनामैन पे काम करके हम लोग ने किया। कि आपने जो वर्ल्ड कप में देखा होगा बाबर आजम को 2019 में बोल्ड किया था, इस बार भी उन्होंने इंग्लैंड के जो हमारे कप्तान है उनको आउट किया था, और भी कई लोगों को उन्होंने, खासकर मैक्सवेल की जो बॉल थी वो भी काफी तेज शार्प टर्न हुई थी, तो उनकी गेंदबाजी में शेन वॉन का प्रभाव दिखेगा आपको। बहुत सारी बातें हो रही है साथ में, अब सेमीफाइनल में पहुंच गई, 4 टीमें हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया की? सबसे पहले मैं कहना, पहले हमें सेमीफाइनल जीतना है, पहले उस सीढ़ी को पार करना है और फिर हमें अपना पूरा फोकस फाइनल पे लगा देना है। फाइनल में कोई भी आए इस बार हमें पीछे नहीं हटना है, और जो मैंने पहले बोला था कि आपको कहीं पे भी ढीला नहीं होना है, हमारे पास विराट कोहली है जो कि हर मैच सिचुएशन को अपने आप में ढाल लेते हैं और अच्छी फॉर्म में है, मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन काल में उनके जैसा कोई भी वनडे या टेस्ट मैच में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा है जो इतना फिट हो, जो इतना दिमागी रूप से मजबूत हो, और कप्तान रोहित शर्मा जैसा नहीं देखा कि हर पल अपने खिलाड़ियों को पास रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये वर्ल्ड कप, और एक चीज मैंने देखी कि जो मैंने पिछले काफी सालों में नहीं देखी थी, इंडिया टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इस टाइम में हमें हार्दिक पांड्या को मिस करेंगे अगर वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर थे और अपनी जगह पे काफी स्ट्रांग थे, तो वो एक ऑलराउंडर कमी खलेगी, लेकिन उसकी कमी को हमारे समी और सिराज भरपूरी उस रूप से उसको पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कपिल पांडे जी, कुलदीप यादव समेत कई खिलाड़ियों के कोच रहे हैं, कई सारी बातों का जिक्र किया और बधाई भी दी।